नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। इस उपाय से सपने में दर्शन देते हैं हनुमान जी। शास्त्रों में ऐसे कई उपायों का वर्णन है जिसके माध्यम से आप सपने में भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक उपाय यह भी है जिसमें हनुमान जी सपने में आकर साधक को दर्शन देते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और इस बात का उन्हें बखूबी आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। यह अनुष्ठान 81 दिन का है दोस्तों। यह उपाय गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हनुमान अंक में बताया गया है। ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ धोखेबाजी करते हैं, कि आपको धोखा दे रहे हैं या मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। इसलिए हमने आपको बताया है कि यह उपाय गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हनुमान अंक में बताया गया है। इस उपाय को हनुमान जयंती या किसी अन्य शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं यह उपाय कैसे किया जाता है और इसको करने में क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। सावधानियां: इस उपाय को करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही शौर श्रम जैसी नाखून काटना, बाल या दाढ़ी कटवाना भी मनाही है। श्राव व मांस का सेवन करना इस उपाय के दौरान मना है। विधि: हनुमान जयंती या किसी अन्य शुभ दिन स्नान आदि करने के बाद एक लोटा जल लेकर हनुमान के मंदिर जाएं। उस जल से हनुमान की मूर्ति को स्नान कराएं। पहले दिन एक दाना साबुत उड़का हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 परिक्रमा करें। दूसरा, परिक्रमा के बाद अपनी इच्छा हनुमान जी के सामने कहें और वह उड़द का दाना लेकर लौट आए तथा उसे अलग रख दें। दूसरे दिन से एक एक उड़द का दाना रोज चढ़ाते रहें और बढ़ाते रहें, यानी आज एक रखा है तो दूसरे दिन दो रखें और इसी तरह हनुमान की परिक्रमा करते रहें। ऐसा 41 दिन तक करें। 42वें दिन से एक एक दाना कम करते रहें, जैसे 42 दिन 40 दाने, 43वें दिन 39 और 81वें दिन एक दाना। 5वां दिन का यह उपाय पूरा होने पर 81 दिन का यह उपाय पूरा होने पर हनुमान जी सपने में दर्शन देते हैं। वे साधक की मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी देते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान जितने भी उड़द के दाने आपने हनुमान जी को चढ़ाए थे उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया इस उपाय से सपने में दर्शन देते हैं हनुमान जी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो या आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन।